किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति एक बार फिर उपस्थित हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखा देगी कि लोग चाहे आपको कितना भी डिमोटिवेट करें, चाहे कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने गोल पर फोकस करेंगे तो आप जरूर जीत जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को करते हैं शुरू। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, साथ में खेलने के लिए जाते थे। समय के साथ दिन पड़ते दिन दोनों बच्चों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था, और खेलते खेलते उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद बाहर निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। अब गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। वह सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, अब ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे पुल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से वह बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था और दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल पा रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ियों के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह छोटा बच्चा दौड़कर गया और रस्सी और बाल्टी लेकर आ गया। उसने रस्सी को बाल्टी से बांधी और रस्सी को नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी नीचे गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। फिर उस 8 साल के लड़के ने कहा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था और प्यास भी लग रही थी। हालत खराब होने के बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल लिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी और वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जाने लगे। जब दोनों गांव पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले नहीं तो वह सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि दोनों बच्चे मिल गए। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये दोनों सोचने लगे कि अगर सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए और कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये दोनों दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गए थे तो मैंने रस्सी से खींचकर इनको बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही सबने ये सुना तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग इन दोनों बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात,
इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे ये नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बातें याद रखिए। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आपके आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे ये नहीं होगा तो आप बहरे बन जाओ। आज की इस कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। हम फिर उपस्थित होंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।